नेक्स्ट हम टर्म इसमें यूज करेंगे मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, द पॉइंट अबाउट विच, द पॉइंट अबाउट विच द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पॉइंट अबाउट विच द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पॉइंट अबाउट विच द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. नेक्स्ट है आपका एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन, द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, अप टू विच द पार्टिकल एग्जीक्यूट एस एच एम, और द टू पॉइंट्स, और द टू पॉइंट्स बिटवीन विच पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिटवीन विच पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, नेक्स्ट है स्पैन, एस पी ए एन, स्पैन, एस पी ए एन, स्पैन, द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजिशंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजिशंस, the distance between two extreme positions which is twice the amplitude, which is twice the amplitude, which is twice the amplitude. Okay, next likhte hain amplitude, amplitude, a m p l I t u d, amplitude, aur isko hum represent karte hain small a se, एम्पलीट्यूड स्मॉल ए. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन इन एनी वन साइड ऑफ, in any one side of simple harmonic motion, in any one side of simple harmonic motion, it is equal to the radius of reference circle, it is equal to the radius of reference circle. अब इन सारे पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं एक साथ, सारे पॉइंट्स को एक साथ समझ लेते हैं. देखिए एक पार्टिकल है जो इस पॉइंट ओ के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन ए बी पर. ऐसे ऐसे पार्टिकल, जैसे मेरा पॉइंट चल रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है पार्टिकल, और किस पॉइंट के अबाउट चल रहा है, किस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, पॉइंट ओ के. तो यहां ओ कहलाएगा मीन पोजिशन, ओ इज मीन पोजिशन. ठीक है, ए और बी इन दोनों को हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजिशन. ए कहलाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम और बी कहलाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम. जरूरी नहीं है कि बी को पॉजिटिव ए को नेगेटिव होगा, जैसे भी रेफरेंस बनता हो हमारा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव भी हो सकता है. एक इनमें से पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो दूसरा वाला अपने आप ही नेगेटिव एक्सट्रीम होगा. करेक्ट, मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस यह है
एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओ ए कह दो या ओ बी कह दो, ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड, ओके। और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, ए से बी तक का डिस्टेंस, ये कहलाया जाएगा आपका क्या स्पैन। ए बी को आप क्या कहेंगे, ए बी इक्वल्स स्पैन, ठीक है। बनाइए सारे। नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका रेफरेंस सर्किल है और रेफरेंस सर्किल पर पार्टिकल चल रहा है। याद कीजिए कि हमने इसे कहा था कांस्टेंट स्पीड ओमेगा पर, बस यही जो कांस्टेंट स्पीड ओमेगा है एंगुलर स्पीड, इसी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। है ये पार्टिकल की एंगुलर स्पीड, लेकिन जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के रेफरेंस में इसे यूज करेंगे तो हम इसे कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। है ये क्या रेफरेंस, रेफरेंस सर्किल पर चलते हुए पार्टिकल की एंगुलर स्पीड है, लेकिन इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब हम यूज करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। लिखते हैं इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। द कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल पी, द कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल पी ऑन रेफरेंस सर्किल, ऑन रेफरेंस सर्किल इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या बनेगी इसकी, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट लिखते हैं हम टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैपिटल टी, अब टाइम पीरियड क्या है देखिए जरा, ये आपका रेफरेंस सर्किल, इस रेफरेंस सर्किल पर पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है पार्टिकल इस रेफरेंस सर्किल पर, ठीक है। अब इस रेफरेंस सर्किल पर घूमते घूमते एक सर्किल पूरा करने में जितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को, ये हो गया टाइम पीरियड। और आप जानते हैं कि उतने ही टाइम में एन ओ से एक्सट्रीम तक जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम, वापस ओ मीन पर आएगा, फिर निगेटिव एक्सट्रीम पर, फिर वापस मीन पर। तो एक्चुअली हमें मतलब है किससे, इस एन से जो चल रहा है डायमीटर पर। तो एक पूरा ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगा किसी भी पार्टिकल को, इसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। और एक्चुअली क्या है ये, एक्चुअली आपके रेफरेंस सर्किल पर चलते हुए पार्टिकल को एक सर्किल पूरा करने में लगा हुआ टाइम है ये, ठीक है। लिखते हैं इसे टाइम पीरियड। द टाइम टेकिंग फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, it is equal to the time taken by, it is equal to the time taken by P for one complete revolution along circumference of reference circle. Its unit is second. नेक्स्ट टर्म है रिलेटेड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल कहीं तो हम यूज करेंगे एफ, कहीं इसका सिंबल यूज करेंगे एन, और कहीं एक नया सिंबल यूज करेंगे, इसे बोलते हैं एन यू, नो वी जैसा है लेकिन थोड़ा सा बीच में से मुड़ा हुआ, ठीक है। लिखिए ये आपका रेफरेंस सर्किल और ये एन
सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, मीन पोजीशन से वाई पर गया, मीन पोजीशन से वाई, वाई से ओ, फिर मीन पोजीशन, फिर वाई डैश और फिर ओ, इसको बोलेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा इसको बोला टाइम पीरियड। अब एक सेकंड में इसने जितनी बार ये काम कर लिया है, एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन इसने एग्जीक्यूट कर लिए, इसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो इसे यहां से यहां तक जाने सब करने में आधा सेकंड लगा, तो एक सेकंड में कितनी बार कर लेगा? दो बार। अगर इसे यहां से यहां तक जाने ये सब एग्जीक्यूट करने में वन बाय फोर सेकंड लगा, तो एक सेकंड में कितनी बार कर लेगा? तो वन बाय फोर जितना टाइम लगा, ये तो हो गया टाइम पीरियड, और जितनी बार कर लिया एक सेकंड में वो वही फ्रीक्वेंसी। लिखते हैं इसे, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टिकल इन वन सेकेंड, एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टिकल इन वन सेकेंड, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल पी ऑन रेफरेंस सर्किल, कंप्लीटेड बाय पार्टिकल पी ऑन रेफरेंस सर्किल। और इसकी जो यूनिट होती है वो कई तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट, एक तो यूनिट है हर्ट्ज, ठीक है, HERTZ, हर्ट्ज। जैसे कि इस पार्टिकल ने एक सेकंड में 50 बार ये काम कर लिया, तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है? हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। दूसरी इसकी यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइकिल पर सेकंड। क्या? साइकिल पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो साइकिल पर सेकंड। इसके साथ साथ एक और यूनिट है इसकी, ऑसिलेशंस पर सेकंड, या एक और यूनिट है क्या, वाइब्रेशंस पर सेकंड, या सिंपली कुछ भी नहीं, सिंपली पर सेकंड, और कुछ भी नहीं। ठीक है, लिख लीजिए सारी यूनिट्स।